सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट प्रिपेयर्स के बारे में। एंड आज 30 मार्च 2022 है, सो उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत सारी प्रिपेयर्स लेकर आएगा, बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर्स जरूर मिलेगी इस हफ्ते, यही उम्मीद है। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ, जो 3 सितंबर 2021 की फाइल है। सो सितंबर वालों के लिए गुड न्यूज है कि पीपीआर आनी, कल भी मैंने 1 सितंबर की पीपीआर आपके साथ शेयर की थी। सो आज भी मेरे पास एक 3 सितंबर 2021 की पीपीआर है। बायोमेट्रिक हुए थे इनके 6 सितंबर 2021 को, एंड उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको मिली थी 28 मार्च 2022 को, एंड इनका जो मेडिकल है वो पास हुआ था 10 फरवरी 2022 को। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 7 अक्टूबर 2021 की फाइल है। सबमिशन कंफर्मेशन हुई इनकी 7 अक्टूबर 2021 को ही। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको 21 मार्च 2022 को मिल गया था, एंड उसके बाद इनको फाइनली एक और कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, जो न्यू कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर है, वो 29 मार्च 2022 को मिल गया। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 14 मई 2021 की फाइल है। सबमिशन कंफर्मेशन हुई इनकी 14 मई 2021 को ही। बायोमेट्रिक हुए इनके 14 मई 2021 को, एंड उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको मिली 28 मार्च 2022 को। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, एप्लीकेशन सबमिटेड है 16 अप्रैल 2021 की। मेडिकल रिक्वेस्ट इनको मिली थी 11 मार्च 2022 को, एंड उसके बाद इन्होंने अपना मेडिकल करवा के अपडेट करवाया, एंड उसके बाद 29 मार्च 2022 को इनको भी पीपीआर मिल गई। उसके बाद बात करते हैं मेरे नेक्स्ट इंस्टाग्राम मैसेज की। हाय हरप्रीत, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वीडियोस एंड पॉजिटिविटी। मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स। एवरी डे यू ब्रिंग सो मच पॉजिटिविटी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क। सो ऐसे मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो आपका प्यार ये है कि मैं 3 महीने से लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे नहीं तो मैं अपनी वीडियो भी क्यों डालूंगा। सो ऑब्वियसली आप अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तभी मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो, ताकि मैं कंटिन्यूसली ऐसी आपके लिए पॉजिटिव न्यूज, अच्छी न्यूज, पीपीआर की न्यूज लाता रहूं। सो बात करते हैं इनकी पीपीआर की। माई हस्बैंड गॉट पीपीआर रिक्वेस्ट टुडे। 22 मार्च 2022 में इनको पीपीआर मिली। टाइमलाइन है इनकी फाइल सबमिशन 31 जुलाई 2021 को। बायोमेट्रिक हुए इनके 9 सितंबर 2021 को। मेडिकल पास हुआ इनका 10 फरवरी 2022 को, एंड फाइनली इनको भी 28 मार्च 2022 को पीपीआर मिल गई थी। एंड इनकी जो स्टडी है वो खत्म हो रही है मई 2021 में। माई स्टडी परमिट टिल अगस्त 2022 तक, एंड इन्होंने बोला है कि होप टू सी यू सून इन कैनेडा, इसलिए कैनेडा में जाकर जरूर मिलेंगे। सो जल्दी मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। हाय ब्रो, आई हैव बीन फॉलोइंग योर वीडियोस लॉन्ग टाइम नाउ। आई वांटेड टू शेयर माई SOWP टाइमलाइन। अप्लाई टुगेदर विदाउट एजेंट, इन्होंने अपने आप से फाइल लगाई थी 5 फरवरी 2021 को। अपफ्रंट मेडिकल था इनका जनवरी 2021 का। मेडिकल पास हो गया था इनका जुलाई 2021 में। स्टूडेंट परमिट इनका पहले अप्रूव हो गया था 2 अगस्त 2021 को, एंड उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इनको मिली 2 अगस्त 2021 को ही। एमपी इंक्वायरी करवाई थी इन्होंने दिसंबर 2021 में, एंड इनको एमपी इंक्वायरी में बोला गया कि इंटरव्यू होगा आपका, एंड उसके बाद इनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड उसके बाद इन्होंने अपना अपफ्रंट मेडिकल है वो अपलोड किया 15 फरवरी 2021 को। उसके बाद इन्होंने 1 मार्च को अपने GCMS नोट्स भी अप्लाई कर दिए थे, एमपी इंक्वायरी द्वारा करवाई, उसमें भी दोबारा से इंटरव्यू बोला गया, बट उसके बाद फाइनली इनको मेडिकल पास 15 मार्च 2022 को मिला, एंड फाइनली पीपीआर भी इनको 29 मार्च 2022 को मिल गई। तो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 31 मई 2021 की फाइल है। सबमिशन कंफर्मेशन हुई इनकी 31 मई 2021 को ही। बायोमेट्रिक इलेक्शन लेटर इनको मिला 1 जून 2021 को। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनको मिला 29 मार्च 2022 को। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो एक और 17 मार्च 2021 की फाइल है। सबमिशन कंफर्मेशन हुई इनकी 17 मार्च 2021 को ही। बायोमेट्रिक हुए इनके 17 मार्च 2021 को ही अपडेट हो गए थे, एंड उसके बाद फाइनली इनको मेडिकल रिक्वेस्ट मिली है 29 मार्च 2022 को। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी आज की वीडियो की लास्ट पीपीआर, 28 जनवरी 2021 का इनका मेडिकल है। वीजा एप्लीकेशन डेट है इनकी 11 फरवरी 2021 की। सो अभी फरवरी और मार्च के वीजे अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। बायोमेट्रिक डेट है 15 फरवरी 2021 की। मेडिकल अपडेट हुआ इनका 16 सितंबर 2021 को। मेडिकल अपडेट हो गया था इनका 2 मार्च 2022 को, एंड उसके बाद इनको एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट मिली थी 12 मार्च 2022 को, एंड उसके बाद 29 मार्च मतलब कल इनको पीपीआर मिल गई। बस ये थी हमारी आज की वीडियो, और हम उम्मीद करते हैं कि आज बहुत सारी पीपीआर आएंगी आप लोगों को। सो प्लीज उसे शेयर भी जरूर किया करो, नीचे कमेंट करके, लाइक करके एंड शेयर करके। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना। टिल देन, बाय बाय।